चैनल से हमारे बीच व्यास की गृहिणी उपस्थित है, गृहिणी उपस्थित है। पंडित परिवार का एक अपना वसूल है कि देव गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पंडित धर्म का एक शास्त्र है, शास्त्रों के अनुसार वो अपना पालन पोषण पुजारी परिवार का एक अपना शास्त्र होता, अपना धर्म होता, शपथ होती है कि वो मंदिर से ही खाते हैं, अपने घर और गृहिणी अपनी गृहस्थी चलाते हैं। घर घर बाचे मतलब बांटते हैं भगवान की भक्ति और भगवान में कितनी शक्ति है और प्रभु श्री राम क्या है और श्री कृष्ण क्या है, हनुमान क्या है और सिया बल रामचंद्र क्या है, बजरंग बली क्या है, माँ भगवती क्या है और माँ दुर्गा क्या है, माँ सरस्वती क्या है और माँ कालिका क्या है। ये सब माँ का नाम तो सभी जानते हैं पर माँ का विशेषण, माँ का मतलब क्या होता है, ये पुजारी परिवार ही एक ऐसा परिवार है कि माँ का अर्थ क्या होता है वो बताते हैं। आइए बातचीत करते हैं, हमारे बीच एक व्यास की गृहिणी है, उनका कैसा पालन पोषण होता है और उनका क्या संदेश है। जी राधे मोहन चैनल, राधे मोहन चैनल से मैं राममूर्ति शर्मा पंडित सुरेश चंद शर्मा बात कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर में जो आता है उसी से हम भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी की तो कोई पेंशन है कुछ भी है, लेकिन हमारी क्या है, जो देते हैं उसी में गुजारा कर रहे हैं। आज केजरीवाल सरकार ने जो मौलवियों के लिए सरकारी तनख्वाह बांधी, क्या कोई पंडित पुजारी को बांधेगा? आगे चल के हमारा भी बुढ़ापा आना है, हम किस चीज से गुजारा करेंगे, कोई कमाएंगे? दवा भी लगती है, खाने को भी लगता है, पहनने को भी लगता है, क्या उम्र पूरे जिंदगी कोई करता है, काम नहीं कर पाता है, तो हर चीज की जरूरत पड़ती है। जहाँ इन लोगों का नाम होता है वहाँ जा कर के ये 51 लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए कोई दान दक्षिणा में कभी ब्राह्मण मांग नहीं सकता है कि आप क्या दे रहे हो, क्या है, जो लिफाफे में डाल दिया वो घर आके खोल के देखते हैं, 21 निकले 51 निकले, उसी में हमारा गुजारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना कि ब्राह्मण परिवार का किस तरीके गुजारा, हमारी यही गुजारिश है हमारे चैनल द्वारा दर्शक जितने भी देख